मत को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। आज टॉपिक हेउछि माती छंती माफिया। बाली माफियांकर दिन कु दिन बर्बर कांड सामना को आसुछि जहां समस्त को चिंतित करिछि। आपण देखिथिबे साधारण जनता अनेक समय रे बाली माफियांक सहित पंगा नौ नाहंती सेमानों को भय करिकि, कारण अनेक समय तांको धमक चमक आसुछि, सेमानको जीवन प्रति विपद रहिछि। एवं जेतेबेले प्रशासनिक अधिकारी माने खबर पांती, जेतेबेले खबर दिया जाए प्रशासन को जे एठारे बाली चोरा चालन करा जाउछि एवं घटना सामना को आसे चढ़ाव करा जाए, ता परे बाली माफिया केमिति भूमिका निभाई बा केमिति व्यवहार करिछंती तार गोटे नजर मु आपनको देखौछि। ये होछि जळेश्वर चित्र, बाली माफिया को बर्बर कांड, जोठी पश्चिम बंग को बाली चोरा चालन होतला। ए खबर पाइबा परे चेकिंग करथले राजस्व निरीक्षक एवं तांको उपरे डंपर चढ़ा जाइछि, तांको गोड़ किभळी भाबरे आघात प्राप्त होइछि तार विजुअल मध्ये आपण देखि पारुछंती। एभळे एक क्षेत्र रे माफियांकर जो राजनीति चालिछि, माफियांकर दोष को माफ परे माफ करा जाउछि, समान को विरोध रे कार्यानुष्ठान केबे, ए प्रसंग को नै आज मत संग्रह करबा पई मो सहित सर्वेश्वर बेउरिया रहिबे सूचना अधिकार कर्मी, ता सहित हम रिपोर्टर मध्ये रहिबे गोपबंधु साहू, रहिबे जळेश्वर हम रिपोर्टर प्रकाश महंती, रहिबे बालेश्वर कलेक्टर ऑफिस सामनारु। प्रथमे प्रकाश को पाकु जिबा पई चाहेबे। प्रकाश, वर्तमान सुधा घटना रे जिलापालकर कोन प्रतिक्रिया सामना को आछि? देखो स्मृति लग्ना, ए नहीं कि आम जिलापा सहित जोजोग करूँ, जेहेतु आज पंचायतराज दिवस अच्छे से नहीं कार्य व्यस्त भर रही कि समय पर फाका आमको जोजोग करें। गोटे कथा होगी जिते बड़े बाली माफिया गत आर आई जिते गाड़ी को अटकई से बाली माफिया गोड़ उपर डम्फर चलते ये घटना को गत काली आज पर्यटन देखा दिपाखे 12 घंटार ऊर्ध समय बीती गला, जेहेतु काली राति 9टे तहसिलदार सेठे थाना अभियोग किंतु पुलिस प्रतिक्रिया जानापी चाहूँ। पुलिस बर्तमान कहूँ जेहेतु गाड़ी नंबर मिली और गाड़ी कौ जगार अच्छी ताब करने बर्तमान कार्य करतमान पर्यटन कौन प्रकार गाड़ी ठुक सोराक से मिल पारिना। गोटे कथा हो स्मृति लगना, जिते बड़े बाली माफिया मैंने जो राजस्व निरीक्षक उपर गाड़ी चलते से समय ओडिशा रे गाड़ी थिला, तो जिते बड़े गाड़ी चढ़ी सारा पर तो जनगहली पूर्ण रास्त कुआडे गाड़ी पलाईगला और ड्राइवर और खलासी कुआडे खसी पलाईगले बर्तमान पर्यटन जलसे पुलिस को कौन प्रकार खबर मिलूनी ठोस प्रमाण पाऊना। जिते बड़े सरकारी अधिकारी खुद निजे एभली दुर्घटनार शिकार होती मरणातक आक्रमण हो सरकार ये चुप बस पुलिस प्रशासन कथा यदि आम कह गत आज पर्यंत केवल से गोटे कथा ही मिलूँ जे कि गाड़ी को कौ जगार अच्छी ताकू ठाब कर ट्रेसींग चली तो केते समय लगे जदि जो सरकारी अफिसर अनेक घटना सामना को आसी जो बाली माफिया सहित बड़ बड़ अधिकारी मधुचंद्रिका कथा पदार पड़ी। ये एमती एक घटना जो राजस्व निरीक्षक घटनार तदारख करने जिते बड़े देखिं बाली चोरा चालन कर पश्चिम बंग को गाड़ी अटकवाई चेष्टा करबर कांड घटाइबा वर्तमान सुधा पुलिस हाथ खाली, ड्राइवर हेल्पर फेरार अच्छा केते दिन पर्यंत राज्य में एमती घटना घटव? जदि राजस्व निरीक्षकों अवस्था या साधारण लोक कौन साहस करेंगे कि मुह खोल स्मृति लग्ना? देखो ए नहीं कि केवल आज जळेश्वर घटना जेहेतु जो सरकारी कर्मचारी राजस्व निरीक्षक उपरे डम्फर चढ़ाई मारिदेपा उद्यम करागला तो यह एक लोकलोचन को आसला और आज चर्चार विषय पलटि। यह पूर्व आपड़ी कहे नीलगिरी तहसिलदार कतर आरंभ कर रेमुणा तहसिलदार और सदर ब्लक तहसिलदार जी अच्छे या पूर्व माफिया मैंने आक्रमण करते कि थाना से बारंबार अभियोग करु आज पर्यटन से गोटे कथा और उत्तर जे कि कार्यानुष्ठान सुन तो पुलिस कथा उठी। प्रकाश मु आसीबी आपनको पाखको, गोपबंधु साहू जळेश्वर प्रतिनिधि जोड़ी होती मो सहित। गोपबंधु, पूरा घटना रे कार्यानुष्ठान कौन ए प्रश्न पूर्व उठी जिते बाली माफिया राज कथा सामना को आते साधारण लोक बाली माफिया आक्रोश शिकार होती बड़ बड़ अधिकारी सब जाने चुप रही अभियोग सामना को आसी कि सरकारी अधिकारी अवस्था या एभली भाव में आक्रमण कर कांदुवा विजुअल हस्तगत होता है केते आघात न लगी कार्यानुष्ठान आश्चर्य कर। हाँ देखु ये जो सरकारी जो रही कर्मचारी रही आर आई जो रही दिलीप चांद तक आक्रमण है कि घटना को जदि आम कह 12 घंटार ऊर्ध बीती गला स्मृति लग्ना कि एपर्तंत ना से गाड़ी मालिक पाखे पहुंची पार्ला पुलिस
ନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ବା ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ହେଲ୍ପର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାରଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉଠାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛୁ, ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଓକେ, ଆପଣ କହିବା କଥା ତହସିଲଦାର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ତ ଯାଇଥିଲେ ଆରଆଇଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ନଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ରଖିନଥିଲେ। ତେବେ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟରେ ଯାହା ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ତହସିଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ି ଚାଲାଣ କାଟିଛି। ତେବେ ସେହିଭଳି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବାଲି ମାଫିଆ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଚାନ୍ଦ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଲଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛି, ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଉନି ତ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ, ପୋଲିସର ଭୂମିକା, କାହିଁକିନା ଘଟଣାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲାଣି, ଏମିତିରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ରାଜୁତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସରକାର ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ସାହସ ସେମାନେ କରିନଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜୁତି କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ କି? ତାକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ, ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା, ଯେଉଁ କେବଳ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୈରାତ୍ମକ ବଢି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବ ଇଏ ତ ନିଲାମଧାରୀ ଯେଉଁ ନିଲାମ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବାଲି ସୈରା ସେଠୁ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସୂତିଲଗ୍ନା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଆଁରପୁର, କୁଆଁରପୁର ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବାଲିଆପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 12ଟି ସୈରାତ ଅଛି, ଆଉ ବେସରକାରୀ ଭାବେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ 25ରୁ ଅଧିକ ବେସରକାରୀ ବାଲି ସୈରାତ ରହିଛି, ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁଠିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଶହ ଶହ ଟନ୍ର ବାଲି ପଶ୍ଚିମକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି, କେବଳ ସମାଧାନ ଯଦି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ ହେଲ୍ପର ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନି, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କିଏ? ଏତେ ଦୁଃସାହସିକ କାହିଁକି କଲା? କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରିଆ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଘଟଣା, ଯେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚାନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସବକ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବରକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ନିରୀହ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ସେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ସେ ଯୋଉ ମାଫିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ରଫର ଚଢେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରଫର ମାଲିକ ହଉ ବା ମାଲିକର ଜଣେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହେଇଥିବ, ସେ ମାଫିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନହେଲେ ଏଭଳି ଗୋବର କାଣ୍ଡ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ରହିଲା, ସିଏ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏଡିଏମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇକୁ ଏ ଆଇନ କେଭଳି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ତାହିଁ ମାନେ କେବେ ଭାବି ବି ପାରିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ୟା ଉପରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଠି କଣ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କଣ ଜାଣିନି? ସେ ମାଫିଆର ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଏ, ଯେ ତାର କଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କେତେ ଥର କଥା ହେଇଥିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କେତେ ଥର କଥା ହେଇଥିବ,
श्रीजुक्त बेहरिया आमे मानि नबा जे ए घटना रे पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवो एवं जेहेतु पुलिस उपरे चाप पका जाउछि धरा जाउ आ किछि समय परे ड्राइवर बा हेल्पर गिरफ हे जिबे किंतु पूरा घटना बाली माफिया कर जो राज चलिछि विभिन्न जगह रे साधारण लोक आक्रोश रो शिकार होउछन्ती ता सहित सरकारी कर्मचारी मध्य बर्ती नाहंती ये पूरा घटना को बंद करबा पई केबे चेष्टा आरंभ हेबो कारण बारंबार खबर प्रसारण करा जाउछि जेभली भाबरे हमर रिपोर्टर मध्य कहथिले स्थानीय अंचल रे 25 रो ऊर्ध जदि बेसरकारी भाव रे देखिबा बाली सैरात अछि किंतु चोरा बाली चारण उपरे नियंत्रण लागि पारु नाही अंकुश लागि पारु नाही देखतो आज्ञा ये इच्छा शक्ति अभाव एवं आंतरिकता अभाव रहिछि जदि इच्छा शक्ति थांदा तदि गोटिए माफिया को गिरफ करा जाय एवं तार संपत्ति को बाजेयाप्त करा जाय से अंचल से नदीरु केते एरिया लीज लेतंती किबा के चोरी करि बेचतंती तार पूरे माफ करा जाय तार पेनल्टी सहित आदाय करता ये सारा राज्य रे भई काम घटना नै अपन जो कोस दिबे जो जिला को दिबे से तागर बर्तन कोटि कोटि टका रो बाली चोरा चालन चली छि ये सब थरे सार माने मो कहि त तृतीय मानन सबदा के निर्देश आ छि ये बारंबार राजस्व केमिति बढिबो राजस्व संग्रह चिंता करथंती एवं परोक्षरे तांक कर्मी मान को कहथंती तमे राजस्व लोक जारो किंतु श्रीजुक्त बेउरिया ये परोक्ष रे गोटे वार्ता नुह कि जदि आपण जीवन सुरक्षित रखिया पई चाहूचंती तबे बाली माफिया को सहित आपण शामिल होंतु कारण अनेक समय रे बाली माफिया को सहित मधु चंद्रिका देखिया को मिलची बड़ बड़ अधिकारी कर जो सरकारी अधिकारी अटकेबा पई जाईथिले तांको उपरे एभली भाबरे आक्रमण करा गला तांको जीवन प्रति विपद थिला एवं घटना को 12 घंटा बितिले भी कार्यानुष्ठान सुन ता माने जदि आपण तिष्ठि रहिया पई चाहूचंती जदि आपण सुरक्षित रहिबा पई चाहूचंती ताहाले बाली माफिया को सहित आपण को हाथ मिसेया को पड़िबो निश्चित अनुसार कोन हबो जदि तो निरीय आरे आरे जे हाथ नमले परिला तार जदि एभली घटना तार जदि एभली घटना घटिला तबे आउ परोखर आउ अन्य माने के करिवेनि বর্তমান সময় আছে কি সে 10,000 প্রথমে গ্রেফতার করে দেব সে থানা আদালতে পরিষ্কার করে দেব সে কোন করতে সে কোন জানুমতি নেই প্রশাসনর পুলিশর দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ লোকের ধন জীবন রক্ষা করা এবং সরকারি সম্পত্তি সুরক্ষা দেওয়া এটি সরকারি সম্পত্তি লুট হওয়ার পরে সে তাকে সহায়তা দেন আজ মাফিয়া মানুষ সহায়তা দেখছেন পুলিশ পুলিশ যদি সহায়তা না দৌথা তাহলে আজ এত বড় দুর্ঘটনা ঘটনা নেই এত চোরা চালান হত নাই মানে তেণু এ সমস্ত ঘটনার স্থানীয় তহসিলদার এবং পুলিশ মধ্যে সম্পৃক্ত অছন্তি নহলে সে কেবে বি মাফিয়া এত বড় সাহস করে পাইল না মু মধ্যে তাঁকে রাজস্ব নিরীক্ষক সম্ভব রয়েছে তাকে মধ্যে মু অনুরোধ করছি সেমানে মধ্যে রাজদাতাকে আসিবার সময় আছে যে যোটি সরকারি অধিকারী মানঙ্কর হাল এমিটি হে যাউছি जोठे राजस्व निरीक्षकों ऊपर आक्रमण करा जाई पारुची तांको जीवन नबा पई चेष्टा करा जाई पारुची से गाड़ी अटकेबा समय रे गाड़ी चलेई नबा पई तांको ऊपर साहस करी पारुचंती सेठे साधारण जनता अन्याय देखिले पार्टी खोलिबार सेमानकर साहस हेबो की केबे नु हे केबे कोनोसी साधारण लोक साहस करी पारिले नाही कारण ये ये भली तो बरबर कांडा घटतोंती समान समस्त विजु जनता दल जनगण कर्मी आइथिबे तांकर पछरे जनगण विजु जनता दल विधायक एमपी ए माने सपोर्ट दिबे ए मानक पूरा चेर तृतीय महला गुण मिथि तब के केबे से माने को दुर्नीति को मूल उत्पादन करबा केबे संभव कर नहि तेनु क्षतिकार पुलिस तानी भलो भाव जानिसि यदि मु आकु गिरफ न करूछि समय मुख्यमंत्री अभिभाषण रखुले विजु जयंती अवसर रे लोकों पाखे कृतज्ञता जनाउथिले जे तांको उपरे बा तांको दल उपरे एते वर्ष धरी आस्था प्रकट करथिबारु ये से आस्थार प्रतिफलन लोक से सरकारी चाकरी थे भी सी जड़े साधारण लोक मुख्यमंत्री मान द्वारा जो शासित होता मनुष्य तार आज अवस्था कौन है किए न्याय दब पर किए प्रतिपोषण करें किए दायी रही है एपर्त माध्यम को कहीं गिरफ्त कर तहसीलदार उपर कहीं आक्शन दि जाए मुख्यमंत्री सब बेले कहते आईन ता बाटे जीव कि आईन टाइम जीव ता बाटे आईन पड़े आईन आईन बाटे जाए ना श्रीजुक्त बेहरिया मुझे अटका।
पाई चाहिबे प्रकाश महांती जे बालेश्वर रिपोर्टर अछंती तांको पाको फेरी भी प्रकाश जदि ये गोटिए घटना होई थांता हुए तो आमे हाथ बांधी बसी थांतु बा अपेक्षा करी थांतु जे देखिबा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि ना नाही घटना को 12 घंटा बितिलानी किंतु प्रत्येक दिन आमे अमर बुलेटिन रे आमे अमर खबर रे बाली माफियांकर किभळि राजनीति चालिछि साधारण लोक किभळि हंतसंत होउछंती किभळि भाबरे तांका आक्रोशर शिकार होउछंती ए खबर प्रसारण करि चालिछु एवं वर्ष वर्ष धरि ए कथा सामना को आसुछि आज सरकारी अधिकारी जनक जेतेबेले आक्रमणर शिकार होइछंती सेतेबेले 12 घंटा भितरे काहेकि कार्यानुष्ठान निया गला ना ये प्रश्न उठुछि किंतु साधारण लोक तो प्रत्येक दिन आक्रोशर शिकार होउछंती ना देखंतु सुमति लगना या सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा जे कि जे बाली माफिया माने एभली कान बरबर कांड करुछंती बा केतेबेले प्रशासनिक अधिकारी कहंतु बा साधारण लोक कहंतु आक्रमण करुछि एवं चोरा बाली सप्लाई करुछि तो या पछरे कार हात रहुछि एवं तांको साहस जोगौछि किए एवं सब प्रकार शक्ति दौछि किए ये सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा आज जलेश्वर जे राजस्व निरीक्षक माड़ खाइछंती जलेश्वर तहसीलदार चुप बसछंती कौन सी प्रकार से पदकेप नौना पुलिस कार्य अभियोग पर किसीना से अभियोग पर कार्यानुष्ठान नब कि जलेश्वर तहसीलदार करे कहीं जिलापा से प्रभाव मान पकड़ तहसीलदार कहते जिलापा कर जिलापा भी बारंबार एभिया चलते किसी दिन पूर्व सुदर्शन बाबू कहते कि जितेबले सरकारी बाबू मैंने बाली जो सरहत अच्छी से चढ़ऊ कर जाती बाली माफिया पाखे ये खबर आगुरी पहुँचाए ये खबर तक पहुँचाऊँच किए पुलिस पर जाकि केमी पहुँचुची कहीं जितेबले तहसीलदार हूँ आरआई हूँ जितने बाली सरहत को जाऊँ चढ़ऊ करने चोरा बाली धरने पचर सफिसीय पुलिस प्रशासन पुलिस कहीं दि जाऊना कि सब गुरुत्वपूर्ण कथ प्रशासन सफिशिएंट प्रोटेक्शन कौन पाई दबो जेतेबेले मधु चंद्रिका पूर्वरो मध्य सामना को आसी सारिछि जेतेबेले 12 घंटा पर भी आपण चुप बसिछंती सेतेबेले एक कथा स्पष्ट भाबरे पदारे पडिछि जे बाली माफिया को सहित सरकारी बड़ बड़ सरकारी अधिकारी मधु चंद्रिका रही सुसंपर्क रही जो साहस कर पारे जीए जाइछंती निरीक्षण रे जीए चेष्टा करुछंती अटकेबा पई तांको उपरे सीधा सळक गाड़ी चलेबा पई एवं तांको गोडर अवस्था एमती करुछंती तापर भी 12 घंटा पर भी जिलापालक प्रतिक्रिया सामना को असुनाई तहसीलदार चुप बसिछंती ये पूरा घटना को सामना को आणुछि बा सत्यासत्य को पदारे पकाउछि जे बाली माफियांक राजनीति को बाली माफियांक राज को सरकार प्रश्रय दौंती जो आज एत बड़ एक अघटन सामना को आसी अघटन हुए तो आप हालका भाव में ग्रहण करती किंतु ये अघटन प्रत्येक दिन साधारण जनता भोगुंट बाली माफिया का आक्रोशर शिकार होती बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना सर्वेश्वर बेउरिया गोपबंधु साहू प्रकाश महांती आलोचना करम रिपोर्टर सहित एवं सूचना अधिकार कर्मी सहित केवे कार्यानुष्ठान ग्रहण बाली माफिया के दंड विधान करा जीवो नजर रहिबो समय होची मत को इटकिबा विदाई दियंतु नमस्कार।